गाइस, तो आज हम बनाएंगे वेज चाउमीन। और इसके लिए हमने सबसे शुरू में क्या करना है, यहाँ हमने 1.5 लीटर पानी ले लिया है और पानी में उबाल आने देते हैं और डाल देते हैं इसमें 1/2 टीस्पून नमक। यहाँ हमने नमक डाल दिया है और पानी में उबाल आने देते हैं अच्छे से। पानी हमारा गर्म हो चुका है, अब हम इसमें डाल देते हैं नूडल्स। और इसको कुक होने देते हैं 5 मिनट के लिए। देखिए गाइस, 5 मिनट हो गए हैं और हम इसको चेक कर लेते हैं। अब हम इसको पानी से बाहर निकाल लेते हैं। देखिए गाइस, ये हम पानी से बाहर निकाल चुके हैं और ये हमने एक थाल में फैला दी है ताकि जल्दी से ठंडी हो जाए। तब तक के लिए आगे का प्रोसेस कर लेते हैं गाइस। यहाँ हमने कढ़ाई ले ली है, कढ़ाई में डाल देते हैं थोड़ा सा ऑयल, ज़्यादा नहीं डालेंगे गाइस। तेल हमारा गर्म हो चुका है, अब हम इसमें डाल देते हैं प्याज। थोड़ा सा चला लेते हैं प्याज को ऐसे। अब हम इसमें डाल देते हैं कटी हुई मिर्च हरी। इसको भी थोड़ा सा चला लेते हैं। अब हम इसमें डाल देते हैं कटी हुई गाजर। अब इसमें डाल देते हैं कटी हुई पत्ता गोभी। अब हम इनको अच्छे से थोड़ा सा पका लेते हैं, ज़्यादा कुक नहीं करेंगे गाइस। और अब हम इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा नमक। अब हम इसमें डाल देते हैं कटी हुई शिमला मिर्च। अब इसमें डाल देते हैं हम अपनी चाउमीन। और चाउमीन डालने के बाद अब हम इसमें डाल देते हैं सोया सॉस, विनेगर, चिल्ली सॉस डाल दिया हमने, और थोड़ी सी डाल देते हैं इसमें लाल मिर्च, थोड़ा सा डाल देते हैं इसमें कुटी हुई काली मिर्च 1/2 टीस्पून, मिला लेते हैं गाइस। ये देखिए गाइस, ऐसे मिला लेना है आपको। अब इसको 5 मिनट के लिए और पका लेते हैं। ये देखिए गाइस, हमारी चाउमीन बनकर तैयार है। ये देखिए गाइस, ये पूरी तरह से पकती है। अब हम इसको निकाल लेते हैं अपनी प्लेट में फटाफट से खाने के लिए। देखिए गाइस, हमारी वेज चाउमीन बनकर तैयार है। ये कितनी अच्छी बनी है और फटाफट से बन जाती है। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।